हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम कस्टमर की वीडियो आ रही है एंड मुझे पता है आप में से बहुत लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे एंड डेफिनेटली आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कस्टमर रूम के बारे में एंड विच कस्टमर रूम आई एम यूजिंग उसको भी बताऊंगा। लास्ट तक देखिए ना सब कुछ एंड हाँ, क्लियरली बता दूँ इस कस्टमर रूम को आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो, यस किसी भी रेडमी रियलमी डिवाइसेस में। इसीलिए इस कस्टमर रूम को मैंने चूज़ करा है एंड इसको मैंने लगभग एक महीना यूज़ करा है या फिर उससे भी ज़्यादा एंड आफ्टर रिव्यूइंग एवरीथिंग आफ्टर यूजिंग ईच एंड एवरी फीचर मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ एंड इस वीडियो में बताऊँगा आपको क्या कुछ आपको फीचर देखने को मिलती है, क्या आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है एंड क्यों इंस्टॉल करना है एंड किसी भी रेडमी डिवाइस में कह रहा हूँ इसका मतलब आप समझ सकते हो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं, तो बेसिक सा आंसर है मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल वीडियोस डाले थे अपने चैनल पे जो कि व्लॉग्स एक्सेट्रा थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईपैड में अगर आपने नहीं देखे अभी तक, तो मेरे बाकी के वीडियोस भी देख लिया करो। तो आज स्टार्ट करूंगा यूआई से। यहाँ पे जो यूआई है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, लाइक यहाँ पे स्मूथ यूआई आपको देखने को मिलती है, एनिमेशन जो है बहुत ही स्मूथ है एंड एंड्रॉइड 12 एल नहीं एंड्रॉइड 12 है। तो आपको अगर कुछ पुराना लग रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आपको सब एडवांस ही मिलेगा एंड फीचर्स जो है बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे बेसिक सा सब कुछ है एंड टॉगल्स की कमी तो नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉगल्स है जितने हमारे काम के होते हैं सभी के सभी टॉगल्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे जो एडवांस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट रिस्टार्ट एंड पावर ऑफ का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में अगर लेके चलो आपको सेटिंग दिखा दे दो, यहाँ पे जो सेटिंग की हुआ है सीमलेस वही सेम वाली है बट कस्टमाइजेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो ये कौन सी कस्टम रूम है, यहाँ पे देखिए रिप्स पेस, तो ये वाली कस्टम रूम आपको पता चल गई होगी कौन सी है, वरना मैं दिखा तो आपको दूंगा ही। तो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग में एंड यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग विद बैटर सेटिंग्स, बैटर में आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अगर आप इसको टर्न ऑन करते हैं टर्न ऑफ करते हैं तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको कैसे कुछ करना है। तो मैं अभी इसको हाइट रखता हूँ, मैंने इसको कस्टमाइज करके रखा है मेरे हिसाब से। उसके बाद कैरियर लेवल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लॉक सेंस सेटिंग का भी ऑप्शन है, शो सेकंड मैंने ऑन करके रखा है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये फीचर। उसके बाद स्टेटस बार आइटम्स यहाँ पे है, आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद ट्रैफिक इंडिकेटर का भी ऑप्शन है, इसको भी आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। एंड उसके बाद बात करूँगा यहाँ पे मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है एंड इन सारी चीज़ों को आप कस्टमाइज कर सकते हो, सारे के सारे फीचर्स जो है वर्किंग है, एक भी ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं है। उसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन है एंड यहाँ पे एज लाइटिंग जो है बहुत ही बढ़िया दिखता है नोटिफिकेशन आते ही एंड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला फीचर यही है। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शंस है रिटिकर एक्सेट्रा का एंड वाइब्रेशन टू कॉल एंड सभी का वाइब्रेशन का भी सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। क्विक सेटिंग की बात करो, क्विक सेटिंग भी यहाँ पे है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीचर्स है उसकी में भी। उसके बाद यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स का ऑप्शन है एंड यहाँ पे जो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ऑफकोर्स सभी में ऑप्शंस नहीं होंगे, यहाँ पे जो है बाकी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। यहाँ पे जो आप अगर अनलॉक करते हो तो एक रिपल इफेक्ट आता है जिसको आप डिसेबल और अनेबल कर सकते हो, यहाँ पे ये भी सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का स्पेशलाइज्ड ऑप्शन है जहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग चीज़ें, तो एम्बिएंट डिस्प्ले के लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे। उसके बाद यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन है, बैटरी में चार्जिंग लाइट्स आप कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर बात करूँ नेक्स्ट की जो कस्टमाइजेशन है, यहाँ पे जो मरेड इंजन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो ग्रीनिश ट्यून है आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉलपेपर के हिसाब से मैंने सेट करी है, आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। लाइक मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कस्टमाइज करके, यहाँ पे आपको कलर सिलेक्ट करना है, जो कलर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो आपका जो मरेड इंजन यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग करता है, सब कुछ फीचर्स यहाँ पे वर्किंग है। आप फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो अपने फोन का, तो ये अच्छी चीज मुझे लगी, एक बोनस पॉइंट यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है तो आप इनको चेंज कर सकते हो, आइकन पैक्स वगैरह वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेविगेशन बार की बात करो, यहाँ पे नेविगेशन बार का भी ऑप्शन है एंड उसके बाद जनरल सेटिंग्स है कुछ जो कि गूगल फोटो स्टोरेज एक्सेट्रा का आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हो, तो ये भी मुझे एक अच्छी बात लगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँ एंड आपको दिखा दूँ बैटरी बैकअप क्या हाल है, तो बैटरी बैकअप का हाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। लाइक मैंने अब तक कस्टम कर लो इसे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करा है, मुझे कस्टम कर लो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि बैटरी बैकअप मुझे सच में अच्छा मिल रहा है एंड एक्सपेक्टेड जितना है उतना ही मुझे बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है बैटरी बैकअप से। हाँ, हीटिंग का क्या हाल है, तो हीटिंग भी मुझे नहीं देखने को मिली क्योंकि अभी जो समर शुरू है एंड हीटिंग एक्सपेक्टेड है कि हीट करे फोन, बट बिल्कुल भी हीट नहीं कर रहा है, नॉर्मल सी हीटिंग एकदम नॉर्मल सी है। तो मैं यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं करूँगा, वेल ऑप्टिमाइज्ड कहूँगा
इस कस्टम रूम को वेल ऑप्टिमाइज्ड ही कहूंगा। तो वेल ऑप्टिमाइज्ड कस्टम रूम है। उसी के साथ यहाँ पे जो बैटरी स्टैट्स का ऑप्शन आप कर सकते हो, यहाँ पे बैटरी चार्ज वार्निंग एक्सेट्रा आप यहाँ सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ज्यादा फीचर्स भी है, बट आइडियल मैनेजर का भी ऑप्शन है जो कि मेरा फेवरेट फीचर है, जहाँ पे जो मैं कह सकता हूँ कि आइडियल मैनेजर मेनू टर्न ऑन करने के बाद 0% ऑफ आइडियल ड्रिंक देखने को मिला है मुझे। नियरली अबाउट 0%, थोड़ा सा होता है बट 1% के अंदर होता है। रात भर अगर आप सो जाओ तो 1% भी बैटरी डिग्रेड नहीं होगी अगर आपका डेटा ऑफ है। उसके बाद बैटरी की बात हो गई, बाकी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वॉलपेपर सेक्शन भी है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो है आपको थिम आइकन तो मिल जाते हैं, बट उसके साथ जो आते थे हमारे एंशियंट कलर वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बिकॉज हमें मॉनेट थीमिंग मिल जाती है, तो वहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों की, बाकी सारी वर्किंग है प्रॉपरली, आपको कोई दिक्कत किसी में भी नहीं आएगी। यहाँ पे शाओमी पार्ट्स भी है, शाओमी पार्ट्स में भी बहुत ज़्यादा फीचर्स है, तो मैं कहूँगा रेडमी नोट 8 यूज़र हो तो आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई करो। मैं अदर कस्टम रूम यूज़र हो, मतलब फिर अदर डिवाइसेस के यूज़र हो, तो भी आपको एक बार इसको ट्राई जरूर करना चाहिए अगर आपके डिवाइसेस के लिए ये अवेलेबल है। तो अब और फोन की बात करो, ये रेडमी नोट 8 है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एंड्रॉइड 12L वर्जन है, एंड्रॉइड 12 नहीं है, एंड्रॉइड 12L है। यहाँ पे जो है रिफ्रेश्ड यहाँ पे कस्टम रूम आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि मुझे कस्टम रूम पर्सनली बहुत पसंद आई है। एंड मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करा था, इसके पहले मैंने रेडमी नोट 4 में इसको ट्राई करा था, बट तब इसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, एंड अभी इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है मुझे। तो आई विल रिकमेंडेड कि आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। अदर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे गूगल फोटोज का अनलिमिटेड बैकअप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे जो कैमरा का सपोर्ट बहुत अच्छा है, सभी कैमरा अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर हाँ बेस्ट जीकेएम की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में डाल रहा हूँ, एक बार देख लेना। वहाँ पे बहुत अच्छे जीकेएम जो है मैंने यहाँ पे 2 ही शेयर करे, बट बहुत ही अच्छे वाले जीकेएम थे। उसके बाद यहाँ पे लॉन्चर में भी बहुत ज़्यादा सेटिंग देखने को मिल जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे भी है। रोटेशन एक्सेट्रा अबाउट यहाँ पे जो है उनका ही लॉन्चर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे विजुअल्स की बात करूँ, एंड्रॉइड 12 वाली विजुअल्स देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। वॉलपेपर स्टाइल मैंने आपको ये दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो गूगल डायलर देखने को मिल जाता है, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो आपको सुनाई देता है नाउ कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, बट अगले वाले को जो है सुनाई नहीं जाता है, तो एक मुझे अच्छी बात लगी इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो है बाकी गूगल मैसेज एक्सेट्रा गूगल के ऐप्स है, बाकी मैंने इनको इंस्टॉल करा है, तो मैंने यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया इसको 1 महीने से पिछले, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कितने भी दिनों तक इसको इंस्टॉल रखो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, और एक बात, यहाँ पे जो मैं एक वीडियो ला रहा हूँ जो कि यहाँ पे बूटलोडर कैसे अनलॉक करना है, QWRP कैसे इंस्टॉल करनी है, कस्टम रूम कैसे इंस्टॉल करनी है, एक ही वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड हाँ, तो सब कुछ तो मैंने बता ही दिया, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बट वीडियो से पहले बता दूँ, इस कस्टम रूम को डेफिनेटली एक बार आपको ट्राई करना है, मेरे लिए ट्राई कर लेना, आपको 101% मजा आएगा इसको यूज़ करने में। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आपको सच में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको यूज़ करते समय, एंड मज़ा आएगा। एक अलग ही प्रीमियमनेस है इस कस्टम रूम में, जो कि स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट फीलिंग कि मैं यहाँ पे जो एक बजट फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे प्रीमियम फ़ोन की याद दिलाता है, तो आई मीन लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये कस्टम रूम। एंड आपको डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई देना है, एंड वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आई मिलूंगा आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो।